बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो आप लोग घर में अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं? शाबाश मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा, तो ये हमारी उर्दू की क्लास है। जैसे कि आप बोर्ड पर हरूफ़ तहज्जी देख सकते हैं। ज़रा सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले हम हरूफ़ तहज्जी का गीत गाएंगे। तो क्या सब तैयार है? शाबाश, तो चलें शुरू करते हैं। अलिफ अनार बड़ा मज़ेदार, बेबा बंदर भाग जाओ अंदर, पेपा पंखा चलता जाए, तेता तितली उड़ती जाए, टेटा टोपी सर पे सजाए, से सा समर हाय मेरी कमर, जीम जा जहाज उड़ता जाए, चे चा चा चिड़िया दाना खाए, हे हा हलवाए हलवा बनाए, खे खा खरगोश गाजर खाए, दाल दाल दादी लोरी सुनाए, डाल डाल ढोल बचता जाए, जाल जा जखीरा भरता जाए। जी तो अलिफ बे पे ते ते से, जीम चे हे खे दाल डाल जाल। जी तो हमने अपनी दोहराई कर ली। अब हम आज का नया हर्फ पढ़ेंगे जो है रे। क्या है रे? क्या है रे? रे। चले हम देखते हैं रे से कौन कौन सी चीजें बनी हुई है। रेल से रेलगाड़ी। ये देखे बच्चे रेलगाड़ी से खेल रहे हैं। और फिर रे से है रुमाल। ये देखिए ये आदमी के पास रुमाल है, ठीक है। उसके बाद है रे से रस्सी। ये देखिए लड़की रस्सी कूद रही है, ठीक है। उसके बाद है रीच। ये देखिए रे से रीच। क्या है ये रीच? रीच का कौन सा रंग है? हाँ, भूरा, जिसको इंग्लिश में ब्राउन कहते हैं। जी शाबाश। उसके बाद हम देखें तो ये देखिए रंग है। ये देखिए रंग है जिनको हम इंग्लिश में कलर्स कहते हैं। बच्ची रंग भर रही है तस्वीर में। और ये वाली तस्वीर में आप देखें रात का मंजर दिखाई दे रहा है। रात में आसमान पर क्या क्या होता है? चांद होता है ये वाला, और सितारे होते हैं जो के चमकते हैं आसमान पर। उसके बाद रिक्शा। ये देखें ये रिक्शा है। ये हमारे पंजाब साइड में एक सवारी है, लोग उसमें बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। रेडियो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने इंग्लिश में भी रेडियो पढ़ा था, जो कि सिर्फ सुनने के काम आता है। खबरें सुन सकते हैं आप और हालात हाजरा के बारे में भी जान सकते हैं। ये आपका तकिया है, इसके अंदर क्या भरा होता है? रुई। रे से रुई, रे से रुई। चले एक दफ़ा दोबारा से दोहरा लेते हैं। रे से रेलगाड़ी, रे से रुमाल, रे से रस्सी, रे से रंग, रे से रात, रे से रिक्शा, रे से रेडियो, रे से। चले मैं आपको अब एक रिक्शा भी दिखाती हूँ अभी आपको, बड़ा अच्छा सा। देखें ज़रा, ये नज़र आ रहा है सबको रिक्शा? ये देखें, इसमें बैठकर जो है ना हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये सवारी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चले अब आ जाएं हम आपको रात की रे की कहानी सुनाते हैं। रात, ये देखिए रात हुई भी है ना, अंधेरा नजर आ रहा है ना, रात हुई भी है। रात को रीछ ने रस्सी तोड़ी। एक रीछ है, ठीक है, उसने ये रस्सी नजर आ रही है ना, रस्सी तोड़ के वो भाग गया था, ठीक है। रात को रीछ ने रस्सी तोड़ी। क्या कहानी है? रात, रे से रात को, रे से रीछ ने रे से रस्सी तोड़ी। उम्मीद है सबको ये समझ में आ गया होगा। तो चलें हम अब जो है आपने क्या करना है, आपका ये काम है एहसास कायदा नंबर एक में सफ़ा नंबर
74 पे, जहाँ पे आप ये देखें ये जो है रे लिखा हुआ है, आपने रे से क्या बना हुआ है, राज हंस, क्या बना हुआ है, राज हंस। रे से रकम है, जैसे कि हमने जो है मनी पढ़ी थी ना, पैसे, रकम, रे से रकम। रे से रस है, लीमू होते हैं ना जो उसका मामा बनाती हैं रस, ये उसका रस है। ये रुमाल है, आपके घरों में भी होगा, मामा को कहिएगा आपको दिखाएं। और ये रीछ है, ये एक जानवर है जिसका के रंग कौन सा होता है, हमने पीछे वाली जो बुक थी उसमें देखा था कायदे में, भूरा। शाबाश। तो अब हम यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों रे लिखेंगे। आपने बड़े अच्छे से पहले ये एक सीधी लाइन लेके आनी है ऐसे, और फिर इसको हल्का सा अपने जो है बाएं तरफ जो है आपने इसको जो है इसको कहते हैं थोड़ा सा टेढ़ा करके करना है, जैसे इंग्लिश में आपने स्लांट लाइन पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं नुक्तों में लिखा हुआ है, नुक्तों को मिलाते हुए हमने ये देखें इसी तरह रे लाइन के साथ साथ लिखना है। ये देखें यहाँ से नीचे आए और यहाँ से बाएं तरफ चले गए। शाबाश। ये वाला सारा सफ़ा आपने जब पूरा कर लें तो आपने इस तरफ आ जाना है। यहाँ पे भी आप देखें कि रे लिखा हुआ है, और जो चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी हैं उनको मिलाना है। जैसे रे से राजहंस है, रे से रुमाल है, रे से रीछ है, रे से दांत है। हाँ, रे से दांत नहीं, दाल से दांत होता है, इसलिए हम इसको नहीं मिलाएंगे। ठीक है, आपने बहुत प्यारे प्यारे इनमें रंग भी भरने हैं। रीछ में भूरा रंग, ये जो राजहंस है इसको बेशक हल्का हल्का कहीं कहीं से आप येलो कर दें, कहीं से वाइट सफ़ेद ही छोड़ दें। ठीक है, बड़ा प्यारा सा रंग करना है आप लोगों ने। अच्छा, फिर यहाँ पे फिर आपने उसी तरह रे लिखना है ऐसे प्यारा प्यारा। यहाँ पे ये देखें नुक्ता लगा हुआ है, यहाँ से बिल्कुल सीधा आना है और यहाँ से हल्का सा बाएँ की तरफ टेढ़ा कर देना है। ठीक है, ये देखें ये जिसको कि हम स्लांट लाइन भी कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देना है, ऐसे करके मोड़ देना है। ठीक है, ये देखें ऐसे, ये आपने बहुत प्यारे लिखने। और मेरे बच्चे बताएंगे कौन सा हर्फ कर रहे हैं, क्या जोर से बोलें, रे। शाबाश। तो आपने रे के गेट दायरा लगा देना है। कौन सा हर्फ कर रहे हैं, रे। शाबाश, रे के गेट दायरा लगा देना है, फिर रे के गेट दायरा लगा देना। और मुझे जल्दी से बताएं ज़रा दायरा लगाते हुए रीच का कौन सा रंग होता है, भूरा। शाबाश। अब जब ये दो सफ़े ख़त्म हो जाएंगे फिर आपने ये वाला सफ़ा करना है। ये आपका 23 तारीख का काम है। ऊपर तारीख डालना कभी भी नहीं भूलना। ये देखें जैसे यहाँ पे मैंने डाली हुई तारीख 22 जून की, आपने भी यहाँ तारीख डालनी है 22 जून की, यहाँ पर आपने डालनी है 23 जून की तारीख। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पे देखें जितनी सारी तस्वीरें बनी हुई हैं और यहाँ पर ये हरूफ लिखे हुए हैं। अब हर हर्फ को उससे जो तस्वीर बनती है उससे मिलाना है। जैसे पे से ये था, पर था, उन्होंने उससे मिलाया हुआ है। अब आप देखें से कौन सी तस्वीर बनी हुई है, से समर, आपने यहाँ से इसको मिला देना है। और इन फलों में बहुत प्यारा रंग करना है। चे से देखें क्या बना हुआ है, चाबी, चाबी से मिला देना है। हे से देखें क्या बना हुआ है, कौन बताएगा, हाँ, हशरार। शाबाश, ये छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना इनको हशरात कहते हैं, इनसे मिला देना है। ठीक है, इनको भी बहुत अच्छा आपने कलर रंग भरने हैं, बहुत प्यारे प्यारे। अब दाल से देखें क्या बना हुआ है, जल्दी से देखें दाल से क्या बना हुआ है, दर्जी, दर्जी से मिला देना है। दाल से क्या बना हुआ है, डाक, डाक से मिला देना है। जाल से जायका, खाते जो हैं चीज़ों का जायका आता है। और रे से रीच, और रीच में भी आपने भूरा रंग भर देना है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, अब आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह जिस तरह आपने रे यहाँ पर लिखा है अपनी जो आपकी आपका जो नोटबुक है उसमें भी इसी तरह आपने रे लिखना है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी बहुत अच्छी तरह। और आपने बहुत अच्छा काम करना है मेरे बच्चों ने, अपनी मामा को बिल्कुल तंग नहीं करना है। ठीक है, मामा की बात सुननी है आपने। और इंग्लिश में आपने मैजिक वर्ड्स किए थे ना, सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आपने करते रहना है। ठीक है, ओके, उम्मीद है बहुत अच्छा अच्छा याद हो गया होगा सबको। खुदा हाफिज़।